बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के पीछे हाथ धोकर पड़ा है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बदमाश। दोस्तों आपको याद होगा कुछ समय पहले सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुआ था, उसके बाद सलमान खान के ऊपर फायरिंग करने वाले तमाम आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। लेकिन अब दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई ने कुछ ऐसा बोल दिया जिसके बाद कहा जा रहा है सलमान खान और उसका बॉडीगार्ड सेरा को एक बार फिर से झटका लग गया। आप देख सकते हो दोस्तों यह है अनमोल बिश्नोई जो कि इस वक्त अमेरिका में रहता है और अमेरिका से ही दोस्तों इस बार इसने ऐसा प्लानिंग करा जिस प्लानिंग की बात बताया जाता है सलमान खान और उसके बॉडीगार्ड का भी ध्यान भटक गया। एक एक करके तमाम बातों का पर्दाफाश करेंगे आज के इस वीडियो में। आपको मैं बताऊंगा किस तरह से अनमोल बिश्नोई की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने हर किसी को हिला कर रख दिया। जी हां दोस्तों, सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग के बाद एक बार फिर से अनमोल बिश्नोई ने कांड कर दिया। इस बार अनमोल बिश्नोई ने कुछ ऐसा करा है जिसके बाद से कहा जा रहा है सलमान खान और भी ज्यादा सतर्क रहने लग गए हैं। एक एक करके तमाम राजों का भंडाफोड़ करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप सबको नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल दोस्तों। और इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों और सभी बहनों को हमारे तरफ से दिल से सलाम। दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को जानकारी भी दिया था, 14 अप्रैल 2024 को सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुआ था और फायरिंग के बाद सलमान खान ने थाना में शिकायत भी दर्ज करवाए थे जिसके बाद दोस्तों तमाम आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। और आपको बता दो उस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार करा गया था जिसमें से एक आरोपी जो कि जेल के अंदर ही मर गया। तो आपको बता दो सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग के बाद दोस्तों मामला पूरा का पूरा ठंडा हो गया। इन दिनों इस चीज का चर्चा नहीं चल रहा था, लेकिन एक बार फिर से कहा जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई ने आग में घी डालने का काम कर दिया। जी हां दोस्तों, एक बार फिर से कहा जा रहा है अनमोल बिश्नोई ने खतरनाक वाला प्लानिंग करा है। वैसे आपको बता दूं 14 अप्रैल 2024 को सलमान खान के घर के बाहर जो फायरिंग हुआ था उस फायरिंग को भी करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि अनमोल बिश्नोई था। अब दोस्तों कहा जा रहा है अनमोल बिश्नोई ने इस बार नया प्लानिंग करा है, तो सवाल यह आता है कि नया प्लानिंग क्या है। इससे पहले चर्चा कर लेते हैं दोस्तों कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कौन कौन बदमाश था जो सलमान खान को पहले भी मारने का कोशिश कर चुका है। आप देख सकते हो दोस्तों यह संपत नेहरा, संपत नेहरा को ही सबसे पहले सलमान खान को मारने का जिम्मेदारी दिया गया था, लेकिन संपत नेहरा नाकामयाब रहा। बाद में पुलिस वालों ने संपत नेहरा को गिरफ्तार कर लिया और इस वक्त संपत नेहरा जेल के अंदर बंद है। तो आपको बता दूं संपत नेहरा को जब जिम्मेदारी दिया गया और संपत नेहरा जब पकड़ा चला गया तो उसके बाद दोस्तों संपत नेहरा ने और भी बहुत सारे बदमाशों को जिम्मेदारी दिया था। और आपको बता दूं अब तक सलमान खान के पीछे 6 से 7 बदमाश हाथ धोकर पड़ा हुआ था, लेकिन दोस्तों कोई भी बदमाश सलमान खान को मार नहीं पाया। अब कहा जा रहा है दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई ने इस बार एक नया प्लानिंग करा है। इस बार दोस्तों कहा जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई अमेरिका के अंदर शूटर्स को तैयार कर रहा है। आपको पता के लिए बता दो इस वक्त अनमोल बिश्नोई अमेरिका से ही लॉरेंस गैंग को संचालित करता है। और इस बार कहा जा रहा है दोस्तों अनमोल बिश्नोई का एक चैट वायरल हो गया, सोशल मीडिया चैट वायरल हो गया। दरअसल बताया जाता है ये किसी बंदे से चैट के जरिए बात कर रहा था और उसी दौरान दोस्तों इसका एक स्क्रीनशॉट जो कि लीक हो गया है जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो। कहा जा रहा है दोस्तों अनमोल बिश्नोई किसी बंदे से सलमान खान को मारने के बारे में बात कर रहा था और उसका स्क्रीनशॉट इसने लेकर किसी को भेजा और फिर उस बंदे ने उस स्क्रीनशॉट को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आप साफ साफ पढ़ सकते हो दोस्तों यहाँ पर जो अनमोल बिश्नोई है वो लिख रहा है रवि का इसने हत्या करा है। अब किसने हत्या करा है पता ही नहीं चल रहा है। तो ये कहा जा रहा है दोस्तों, अगर सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है इस बार अनमोल बिश्नोई कुछ नए नए शूटर्स को अपने गैंग में ज्वाइन कर रहा है और उन शूटर्स के जरिए सलमान खान के ऊपर यह हमला करने की तैयारी में है। वैसे आपको बता दूं अनमोल बिश्नोई ने पहले जो 2 शूटर को भेजा था जो कि सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग करा था, वो दोनों शूटर जो कि नया ही था, दोनों जो कि बिहार का रहने वाला था, हरियाणा में रहकर काम धाम करता था, लेकिन दोस्तों बाद में उसे जिम्मेदारी दिया गया सलमान खान को मारने का, लेकिन उसमें भी वो नाकामयाब रहा और फिलहाल वो जेल के अंदर बंद है। तो अब कहा जा रहा है दोस्तों अनमोल बिश्नोई ने नए बंदे को पकड़ा है और इस बात की जानकारी कहा जा रहा है सलमान खान के बॉडीगार्ड सेरा को मिल गई। और दोस्तों जब से सेरा को यह खबर लगी है कि फायरिंग के बाद एक बार पुनः अनमोल बिश्नोई प्लानिंग कर रहा है, तब से कहा जा रहा है सेरा और भी ज्यादा चौकन्ना हो गया। वैसे आपको बता दूं सलमान खान के कुछ समर्थकों का यह कहना है कि ये लोग केवल कुत्ता की तरह भौं-भौं करता है, कुछ कर नहीं सकता है। तो इस तरह की प्रतिक्रिया लोगों का निकल कर सामने आ रहा है। लोगों ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बारे में बहुत कुछ कहा, बहुत सारे लोगों का यह कहना हुआ कि ये लोग केवल बाहर ही फायरिंग करके रह जाएगा, अंदर करने का औकात नहीं है। हालांकि देखो दोस्तों मुंबई पुलिस ने काबिले तारीफ काम की थी, तमाम आरोपियों को एक एक करके गिरफ्तार कर लिया गया। तो मुंबई पुलिस ने काबिले तारीफ काम करा और जितना तारीफ करा जाए उतना कम है। बाकी आपको बता दूं सलमान खान की सुरक्षा में इनके वेब प्लस सिक्योरिटी तो है ही, उससे भी ज्यादा सुरक्षा देने वाले इनके बॉडीगार्ड सेरा हैं। सेरा के रहते हुए कोई सलमान खान को टच कर ले, क्या ऐसा हो सकता है? बाकी देखते हैं दोस्तों भविष्य में क्या होता है नहीं होता है। फिलहाल
काज राय अनमोल बिश्नोई का जब से चैट सोशल मीडिया पर लीक हुआ, उसके बाद से सलमान खान के समर्थकों ने सलमान खान के लिए भी ये कहना शुरू कर दिया कि अब सल्लू भाई को कहीं ना कहीं सावधान रहना चाहिए। वहीं कुछ लोगों का ये कहना है कि इन अपराधियों का इतना औकात नहीं है कि सलमान खान को टच कर ले। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप लोग बताना दोस्तों जिस तरह से अनमोल बिश्नोई इस बार प्लानिंग कर रहा है, क्या अपने प्लानिंग को ये कामयाब कर पाएगा, क्या इसका जो प्लान है वो सक्सेसफुल हो पाएगा, कमेंट में लिख के बताना। बाकी वीडियो को लाइक कर देना। एक बार फिर से कहूंगा, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना ध्यान रखना, अपने परिवार वालों का ध्यान रखना। पर्सनली दोस्तों मैं कभी किसी अपराधी का समर्थन नहीं करता, तो आपसे भी कहूंगा आप लोग भी किसी भी अपराधी का समर्थन मत करो, अच्छा काम करो, अच्छा रास्ता चुनो। जय हिंद, राम राम सारे भाइयों को। मिलता हूं अगले नए वीडियो में नई खबर के साथ।